यह लात और घूसों वाली एक्शन सीन कोई फिल्मी नहीं है। जी हां, आपने सही सुना, और एक बार फिर से कह रहा हूं, यह लात और घूसों वाली एक्शन सीन कोई फिल्मी नहीं है। यह कटिहार जिले के फलका थाना के दरोगा और उनके सिपाही के द्वारा एक युवक की पिटाई का वायरल वीडियो है। वीडियो में दिख रहे दरोगा साहब का नाम सौरभ कुमार है। दरोगा साहब संध्या गश्ती में निकले थे फलका बाजार, जहां अचानक बाइक सवार युवक की सरेआम पिटाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों को लगा कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। युवक के कसूर के बारे में फलका पुलिस बताती है कि युवक ने पुलिस को मामू कह दिया। अब मजाक किसी का भी उड़ाए तो बुरा तो लगेगा ही। युवक ने पुलिस को मामू कहा तो पुलिस को गुस्सा आया और दरोगा साहब खुद गाड़ी से उतरे और अपने सिपाही के साथ युवक को सरेआम पीट दिया। माना कि पुलिस का मजाक उड़ाना कानूनन अपराध हो सकता है, तो सजा भी उसे कानून के तहत मिलना चाहिए। लेकिन दरोगा सौरभ कुमार तो दरोगा बाबू जो ठहरे, आओ देखा न तो कानून को ताक पर रख सरेराह युवक की कर दी पिटाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से युवक पर लात और घूसों की बारिश हो रही है और उसे संभलने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो, तो कटिहार पुलिस की किरकिरी होने लगी। फलका पुलिस के द्वारा सरेआम युवक का पिटाई करने का जो वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसे एक बार फिर से आप देखिए। मामू बोल गए है, मामू बोल दिया ना। फिलहाल इस मामले में दो आरोपी युवक को पुलिस थाने ले गई है और पूछताछ कर रही है। इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, अब तक इस मामले में पुलिस के द्वारा खुलकर नहीं बताया गया है। बस इतना कहा गया है कि पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने व मामू कहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस वायरल वीडियो के बारे में कटिहार पुलिस अधीक्षक के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, युवक को किस धारा के तहत सजा होती है और मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले दरोगा बाबू सौरभ कुमार पर क्या कार्रवाई होती है। मामू बोल गए हैं। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।